अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टेलरिंग क्लास 5। उसमें हम सीखेंगे बेबी शॉर्ट्स। ये शॉर्ट्स आप अपने बेबी को 3 से 6 मंथ तक पहना सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल सके। फ्रेंड्स, हमने ये फैब्रिक लिया है, कॉटन का ये फैब्रिक। ऐसे हमने 2 पीसेस काट लिए और ये चौड़ाई में फ्रेंड्स 15 इंच है और लेंथ में इसको हमने लंबाई में से हमने 11 इंच लिया। अभी इसे मैं लंबाई से फोल्ड कर लूँगी 4 फोल्ड। देखिए फ्रेंड्स, जो फोल्डेड साइड है उसको अपने तरफ रखना है, जो ओपन साइड है उसको ऊपर रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये 4 फोल्ड हो गया है। अभी इसे अच्छे से सेट करना है। जो फोल्डेड साइड है उसको आपको अपनी तरफ रखना है। फोल्ड होने के बाद फ्रेंड्स इसकी लेंथ 11 इंच है और चौड़ाई 7.5 हो गई। फ्रेंड्स, अभी यहाँ से मैं 2 इंच लूँगी। यहाँ से हमें इलास्टिक के लिए लेना है 2 इंच और इसे हमने पूरा 2-2 इंच पे मार्क करके इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। फ्रेंड्स, देखिए हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी आपको यहाँ से लेंथ लेना है। जहाँ से हमने 2 इंच पे मार्क किया वहाँ से लेंथ लेना है। तो हमने शॉर्ट्स की लेंथ ली है 8 इंच और 1 इंच मार्जिन लिया है फोल्डिंग के लिए। अभी यहाँ से हमें क्रॉच के लिए मार्क करना है। तो हमने क्रॉच के लिए 6 इंच मार्क कर लिया है। तो आपको 6 इंच कैसे लेना है फ्रेंड्स, आपको हिप्स को 4 से डिवाइड करना है, उसमें 1 इंच मार्जिन लेना है। तो हमने 6 इंच पे मार्क कर लिया। ऐसे यहाँ पे भी 6 इंच पे मार्क कर लूँगी और ये दोनों लाइनों को जॉइन कर लेना है। स्केल या टेप के हेल्प से आपको इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। फ्रेंड्स, अभी आपको यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करना है, यानी 1.5 इंच पे। देखिए फ्रेंड्स, हमने 1.5 इंच पे मार्क कर लिया। अभी यहाँ से आपको कर्व में शेप दे देना है। अभी फ्रेंड्स, आपको बॉटम लेना है। बॉटम के लिए आपको जितना भी आपका बॉटम है बेबी का, उस पर हमने यहाँ पे 6 इंच पे मार्क किया है। 5.5 हमारा बॉटम है, इसमें 1/2 इंच मार्जिन लिया, तो टोटल 6 इंच पे हमने मार्क कर लिया और ये दोनों लाइनों को हमने जॉइंट कर लिया फ्रेंड्स। और ये लाइन को भी ऊपर तक हम ड्रॉ कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी जो हमने मार्क किया है उसकी हमें कटिंग कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे आपको कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग हो गई है। अब इसको आपको ओपन कर लेना है, एक फ्रंट पार्ट एक बैक पार्ट। और ये सीधी साइड है फ्रेंड्स, जो मैंने स्क्रीन पे मार्क किया है वो सीधी साइड है। आपको सीधी साइड अंदर रखना है दोनों, एक के ऊपर एक, और अच्छे से इसे सेट कर लेना। और यहाँ पे हमें सिलाई मार लेना है क्रॉच पे। देखिए, ऐसे हमने सिलाई मार ली है। अब इसे ओपन करना है। अभी आपको बॉटम को भी फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड करना है फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड से ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। और फिर कॉर्नर से सिलाई मार लेना, ऐसे ही दूसरे साइड पे भी कर लेना, डबल फोल्ड कर लेना है और कॉर्नर से सिलाई मार लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई मार ली है। अभी आपको यहाँ पे इलास्टिक के लिए फोल्ड करना है, तो ऐसे सिंगल फोल्ड करना है, उसके बाद और एक फोल्ड कर लेना है। फ्रेंड्स, ये जो फोल्ड है आपको 1 इंच तक करना है। और ये 1 इंच तक इसलिए करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी इलास्टिक भी 1 इंच की है, तो इसमें अच्छे से वो पास हो जाएगी। और इसे सिलाई मार के आपको थोड़ा सा ओपन रखना है। देखिए, हमने सिलाई मार लिया और थोड़ा सा ओपन रखा है। देखिए फ्रेंड्स, इलास्टिक हमने ली है, ये 17 इंच की है लेंथ में और 1 इंच विथ में, यानी चौड़ाई में। देखिए, लंबाई में हमने इसको 17 इंच पे लिए और चौड़ाई में 1 इंच है। अभी इसको आपको पिन से अंदर पास करना है शॉर्ट्स में। देखिए फ्रेंड्स, इसे आपको इस पूरे शॉर्ट में एक साइड से डाल के दूसरे साइड से निकाल लेना है इलास्टिक को पिन के हेल्प से। देखिए,
ऐसे, और थोड़ा ऐसे पुश करते रहना है फ्रेंड्स, ताकि आपकी इलास्टिक अच्छे से अंदर सेट हो जाए। अभी मैं पिन रिमूव कर रही हूँ फ्रेंड्स। अभी आपको इसके ऊपर रखना है एक के ऊपर एक, और थोड़ा यहाँ पे आपको सिलाई मारना है। देखिए हमने सिलाई मार ली है, आपको दो चार सिलाई मारना फ्रेंड्स। अब इसको अच्छे से अंदर डाल लेना है, और जो ओपन है उसके वहाँ पे भी आपको सिलाई मार लेना है। यहाँ पे ये थोड़ा ओपन है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी सिलाई मार लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा ऐसे ऐसे आगे पीछे स्ट्रेच करना है, ताकि आपकी इलास्टिक अच्छे से अंदर सेट हो जाए फ्रेंड्स। अभी हमें यहाँ पे फिटिंग करना है, तो हाफ इंच पे आप मार्क कर लेना, और उसके बाद फिटिंग कर लेना और सिलाई मार लेना। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बेबी शॉर्ट रेडी हो गई है। फ्रेंड्स आज का क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स ये शॉर्ट 3 से 6 महीने तक के बच्चे को आराम से आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय।